सो दिस वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है सबके रिकॉर्डिंग करके मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे तो आप अगर कहीं कुछ भी मिस कर जाते हैं सो यू कैन ईजिली गेट एक्सेस ऑफ दिस चैनल ठीक है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इट वॉज गिवेन बाय प्राउस्ट इन 1779, उन्होंने ये लॉ दिया था एंड व्हाट ही सेड उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई भी एलिमेंट या जब भी कोई दो या तीन एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा फिक्स होल नंबर रेशो में ही कंबाइन करते हैं ठीक है सो स्टेटमेंट क्या था वेन two or more element combine to form a specific compound atoms of Participating elements combine in a fixed ratio. In a fixed ratio. ठीक है ये उन्होंने statement दिया था कि जब दो या दो से ज़्यादा elements कंबाइन करते हैं कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस एग्जाम्पल बनाया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से तो वाटर में दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन के दो एटम हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर तो वो हमेशा उनका जो रेशियो ऑफ मास रहेगा वो स्पेसिफिक रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा चाहे आप पानी किसी भी सोर्स से ले लें चाहे वो पानी जो है आप किसी ओशन में से ले लें चाहे वाटर आप किसी रिवर में से ले लें या आप वाटर अपने आरओ में से ले लें तो कहीं से भी आप वाटर ले लें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड क्योंकि वाटर का फॉर्मूला किसी भी सोर्स के हिसाब से चेंज नहीं होता है वॉटर इज ए कंपाउंड और कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो तो यही चीज इन्होंने स्पेसिफिकली अपने लॉ में बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी कम्बाइन करेंगे और वाटर के अलावा कोई और भी कंपाउंड अगर बनेगा तो उसमें भी वही रेशियो रहेगा उसमें जो रेशियो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं इजिली आपको समझ आ जाएगा मान लीजिए हमने अभी वॉटर का ही जिक्र किया है तो उसमें रेशियो बाय मास निकाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर दिस वन इज ए फॉर्मूला ऑफ वॉटर एच टू ओ ठीक है इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरीके के एटम्स हैं हाइड्रोजन का अगर हम मास लें तो हाइड्रोजन का जो मास आता है वो वन होता है एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन अब क्योंकि यहाँ टू एटम्स हैं सो वील मल्टीप्लाई वन इंटू टू रेशियो का साइन ठीक है यहाँ पे आप रेशियो का साइन लगाएंगे एंड ऑक्सीजन का जो एटोमिक मास होता है वो है सिक्सटीन सो टू रेशियो सिक्सटीन सिंपल सिंपल फॉर्म में करेंगे तो रेशियो आ जाएगा वन रेशियो एट इसका मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे वो हमेशा बायमास वन रेशो एट के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे ये रेशियो चेंज नहीं होगा फॉर वाटर लेकिन अगर वॉटर के अलावा कोई और कंपाउंड बन गया मान लो वॉटर के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ये भी होता है एच इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड So, this one is another compound. Yeah, एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात हो रही है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है उन एलिमेंट से तो उसका रेशियो जो है वो कहीं पर भी सेम रहेगा चाहे आप किसी भी सोर्स से ले लें तो जो वाटर है आप किसी भी सोर्स से ले लें तो वो उसका में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय वन रेशियो एट ही होगा अगर हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लें इसका तो उसमें रेशियो डिफरेंट हो जाएगा ऑब्वियसली वन इंटू टू टू ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 लेंगे आप क्योंकि 16 इस एटॉमिक मास होता है ऑलरेडी और दो एटम्स हैं तो आप टू से मल्टीप्लाई करोगे आप सो इट विल बी 2 16 तो क्या हो गया 2 रेशियो 32 इट मींस 1 रेशियो 16 ठीक है तो कंपाउंड टू कंपाउंड कंपाउंड तो वेरी कर सकता है ये है रेशियो बाय मास वेयर कैलकुलेटिंग रेशियो बाय मास एग्जाम में रेशियो मास कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है बाय गिविंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स आपको दे दिया जाएगा और रेशियो बाय मास कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है ये था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ठीक है एक और एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को समझ लेते हैं मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का केस ले लेते हैं एक ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीओ टू होता है अब कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं से मिल रही है आपको तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस जो हैं, इट मे भी डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं आप लाइम स्टोन को गर्म करें जैसे कि हमने कल वाले एग्जाम्पल में देखा था वेन वी हीट लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी ठीक है ये तो हो गया पहला सोर्स कि हमें यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं हम करें कि, कि किसी भी मेटल के कार्बोनेट को इसमें से डाइल्यूट एच इसके अंदर ऐड कर दे तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो हम कर लेते हैं मान लीजिए हमने क्या लिया लाइम ले लिया और इसमें थोड़ा सा एच ऐड कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड कर दिया तो जैसे ही आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड करेंगे तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनेगा वाटर बनेगा और साथ के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी तो दूसरा सोर्स ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ठीक है थर्ड हम क्या कर सकते हैं तो हमने सुना है कि जब भी हम कोई भी चीज बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ठीक है या हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं रेस्पिरेशन क्या है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही तो है हम क्या करते हैं हमारे अंदर जो सेल होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर उसमें क्या होता है ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो डिवाइड हो हो के डाइजेस्ट हो हो के ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जिससे कि हमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्ल भी कर रहे हैं तो वहां से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा रहा है 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 तो सेलुलर रेस्पिरेशन से भी मिलता है। ये C6, H12O6, ये ग्लूकोज क्या फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज तो अब हमने ग्लूकोज ये सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होता है जो तो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें हो रहा है ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी तो ये एनर्जी हमको मिलती है क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? है है अभी का जो रिएक्शन वो इतना ही समझना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस रिएक्शन में भी निकल रही है तो इस तरीके से मेनी ऑफ द रिएक्शंस आर हेयर जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है लेकिन देखो कॉमन चीज ये है कि यहाँ पे फॉर्मुलेस कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज नहीं है तो जब फॉर्मूला चेंज नहीं है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो बाय मास कैसे चेंज हो सकता है तो वो चाहे किसी भी सोर्स से आपको मिल रही हो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें रेशियो बाय मास क्या होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो बाय मास निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं दोनों एलिमेंट लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन भी और ऑक्सीजन भी कार्बन का मास कितना होता है ट्वेल्व रेशो रेशो का साइन बनाना है बीच में आपको और जितना भी एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 32 32 थर्टी yes. यस और फिर एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कॉमनली दोनों चीजें डिवाइड हो जाए ये फोर से डिवाइड हो सकता है आसानी से फोर थ्री जा फोर एट जा थर्टी टू तो ये इसका कॉमन रेशियो आ गया है अब इससे कम किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये थ्री है ये ऑड नंबर है इवन नंबर है तो किसी भी एक नंबर से तो डिवाइड होंगे ही नहीं तो ये इसीलिए जो कॉमन रेशियो जो रेशियो बाय मास आ गया वो कार्बन डाइऑक्साइड में थ्री रेशियो एट आ गया समझ में आ गया कि कैसे हम रेशियो बाय मास निकालते हैं तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है तो वो तीनों रिएक्शन में से कोई सी भी रिएक्शन अगर आप लो तो रेशियो बाय मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा वो हमेशा थ्री रेशियो एट ही रहेगा यही इन्होंने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन होगा द रेशियो ऑफ मास विल ऑलवेज रिमेन्स सेम एंड इट विल बी इन होल नंबर्स ये हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि एटम ही तो कंबाइन कर रहे हैं कोई एटम आधा एटम थोड़ी कंबाइन करेगा किसी से जाके एटम तो पूरा ही जाएगा कंबाइन होने के लिए तो इसलिए ये हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में ही होगा एक दो एलिमेंट और देख रहे थे कंपाउंड्स जिसमें कि हम रेशियो बाय मास निकालते हैं फिर आज मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगी रेशियो बाय मास निकालने के लिए ठीक है सबको समझ में आ गया है ये रेशियो बाय मास निकालना Yes, sir. हाँ तो एक तरीके का क्वेश्चन तो ये हो गया जो कि हमें पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन थे भाई लॉ लिखने के लिए तो आ ही सकता है तो वो स्टेटमेंट तो आपको याद रखना है विद वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना जरूरी है अगर आपने लॉ लिखने के बाद एग्जाम्पल नहीं दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे ठीक है दूसरा एक यू न्यूमेरिकल आ सकता है और जो न्यूमेरिकल कौन कौन से तरीके के आ सकते हैं वो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ ठीक है तो पहले एक दो कंपाउंड्स और ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए कि रेशियो बाय मास कैसे निकालते हैं मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एच टू एस ओ फोर ठीक है अब हमें इसका रेशियो बाय मास निकालना है तो हम क्या करेंगे यहां पे एलिमेंट है हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन तीन ही एलिमेंट है यहाँ पे तीनों हमने लिख लिए हाइड्रोजन के दो एटम थे वन इसका एटॉमिक मास होता है जिसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके दो एटम हैं यहां पे। सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो हो होता है थर्टी टू और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है सिक्सटीन सो तो ये जो रेशियो बन के आया है ये टू रेशियो थर्टी टू रेशियो सिक्सटीन तो इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा टू वन जा थर्टी टू एंड टू एट जा सिक्सटीन सो रेशो बन गया वन रेशियो सिक्सटीन रेशियो एट ये इसका रेशियो अब आप इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये ये वन नंबर डिवाइड नहीं होगा ना एट से आप क्या कर सकते हो एट वन जाए, एट टू जा सिक्सटीन लेकिन ये तो नहीं डिवाइड होगा वन तो इसलिए आप वो नहीं लिख सकते तो यही इसका सिंपल रेशियो रहेगा समझ में आया बेटे सबको समझ में आया ही नहीं आया आ गया आ गया चलो अब एक और दो कंपाउंड्स ले लेते हैं और फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं मान लीजिए अमोनिया का हमको रेशियो बाय मास निकालना है सो वील टेक अमोनिया एन एच थ्री एनएस थ्री इज अ फॉर्मूला फॉर अमोनिया इसमें लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास भी याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आपको मास ना दिए हो तो वो मास आपको याद रखने हैं बाकी वैसे तो ज्यादातर मास दिए हुए रहते हैं लेकिन याद रख कर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा ही so सो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है किसी को पता है फोर्टीन इसके अंदर दो एलिमेंट है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसके तीन एटम है, तो इसका बनेगा 14, थ्री, क्योंकि अब कॉमन नंबर कोई भी नहीं है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो ये बन गया रेशियो बाय मास तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो बाय मास निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में उन्होंने कंबाइन किया है एक और देख लेते हैं मान लीजिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है कार्बन का मास होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं टू थ्री जा ट्वेल्व और टू एट जा सिक्सटीन तो ये रेशियो आ गया टू थ्री जै कह रही हूं टू सिक्स या ट्वेल्व ठीक है और यहां पे फिर से डिवाइड करोगे तो थ्री रेशियो फोर तो इसका जो कॉमन रेशियो आया वो आ गया थ्री रेशियो फोर कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो थ्री रेशियो एट था अब कार्बन मोनोऑक्साइड में वही रेशियो हो गया थ्री रेशियो फोर ठीक है तो इस तरीके से हम रेशियो बाय मास निकाल लेते हैं अब जो सेकेंडली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं बाय रेशियो वन रेशियो बाई एट बाय मास क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इन वाटर इट इज गिवन ऑलरेडी वन रेशियो एट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये कंबाइन करते हैं वन रेशो एट के फॉर्म में देखो इस बाय मास का मतलब क्या है यहाँ पे ये जो ये दिया गया है ना इसका मतलब ये है कि एक ग्राम हाइड्रोजन ने को चाहिए आठ ग्राम ऑक्सीजन वॉटर बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल पानी का बनाने के लिए वन ग्राम हाइड्रोजन को एट ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ये बताया गया इसमें रेशो का मतलब ये होता है अब आपसे कहा जाता है कि वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमको चाहिए इफ टू रिएक्ट कंप्लीटली विद ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में क्या दिया है रेशो दिया है इसका मतलब क्या है वन ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन कितना एट ग्राम ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है रेशियो गिवन होने का मतलब यही होता है कि वन ग्राम रिक्वायर एट ग्राम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रेशियो था वो थ्री रेशियो एट आया था इसका मतलब तीन ग्राम कार्बन को आठ ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो ऐसे ही इसको हमने स्टेटमेंट इस के फॉर्म में लिख दिया है अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम तीन ग्राम हाइड्रोजन ले लें तो कितना ऑक्सीजन चाहिए तो तीन गुना ही चाहिए होगा कितना हो जाएगा थ्री इंटू एट इसका मतलब ट्वेंटी फोर ग्राम समझ में आया सबको ये न्यूमेरिकल बेटे बोल तो दिया करिए कि आपको समझ में आया है yes, नहीं सबको समझ में आया है ना क्योंकि पूछे जाएंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा समझा दूंगी हम दोबारा समझा दू देख लीजिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में रेशियो बाय मास दिया गया है बिटवीन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया गया है वन रेशियो एट तो जब भी इस तरीके से रेशियो बाई मास आप निकालते हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है इतने एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो चाहे उसका मतलब यह होता है कि अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल ले लें वॉटर के लिए तो एक ग्राम हाइड्रोजन को आठ ग्राम ऑक्सीजन चाहिए एक मॉलिक्यूल पानी बनाने के लिए तो ये चीज हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिख दी अब आपसे पूछा गया है कि वोट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विद ग्राम ऑफ हाइड्रोजन थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तीन ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करने के लिए तो अगर एक ग्राम को आठ ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो तीन ग्राम को उसका मल्टीपल में ही चाहिए होगी तीन गुनी चाहिए होगी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है तो एक ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरा आपसे मास परसेंटेज निकालने के लिए दिया जा सकता है किसी भी कंपाउंड में अगर आपसे कहा जाए कि वाटर जो है वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल दीजिए वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए तो हम परसेंटेज दो तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है या तो हम इसके एटॉमिक मास ले, ले या आपको क्वेश्चन में ही कंपाउंड का मास दिया हुआ रहेगा जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूं क्वेश्चन मैं लिख दूंगी पूरा क्वेश्चन लिखूंगी उसके बाद सॉल्व करूंगी क्वेश्चन ये दिया गया है द परसेंटेज ऑफ थ्री एलिमेंट द परसेंटेज ऑफ थ्री एलिमेंट्स अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं आपके वो एलिमेंट्स आपके हैं कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कैल्शियम और कौन सा कंपाउंड है इन कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें कि कार्बन का ऑक्सीजन का और कैल्शियम का मास दिया गया है परसेंटेज दी गई है ठीक है तो कैल्शियम जो है वो फोर्टी परसेंट दिया गया है कार्बन जो है वो ट्वेल्व परसेंट दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है फोर्टी एट परसेंट आई थिंक फोर्टी एट परसेंट तो अब आपको निकालना है कि इफ द कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन लॉ इज ट्रू वट वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी इन 1.5 पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है अगर हम 1.5 पॉइंट फाइव ग्राम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट का अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका वेट कितना होगा हम इसका टोटल वेट निकाल लेंगे ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का जो टोटल वेट आता है वो फोर्टी ग्राम आता है चालीस ग्राम आता है चालीस ग्राम में ये परसेंटेज दिया गया है तो आपसे पूछा गया है कि 1.5 ग्राम में कितना होगा तो हम क्या करते हैं स्टेटमेंट बना के निकाल सकते हैं परसेंटेज एलिमेंट्स का क्वेश्चन सबको समझ में आ गया रब कर दू क्वेश्चन को क्वेश्चन देखो एक बार फिर से समझ आया क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें तीन एलिमेंट है कैल्शियम है कार्बन है और ऑक्सीजन है कैल्शियम का परसेंटेज फोर्टी परसेंट है कार्बन जो है उसमें ट्वेल्व परसेंट है और ऑक्सीजन फोर्टी परसेंट है अब आपसे पूछा जाए पूछा गया है कि अगर हमने वन कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया वन ग्राम तब ये कितने कितने ग्राम होंगे या इनका कितना कितना ग्राम होगा कैल्शियम का कार्बन का और ऑक्सीजन का अब सॉल्व करते हैं टाइम आउट होने वाला है सेवन मिनट रह गए वैसे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा ठीक है? अब या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को या तो आप स्टेटमेंट बना दीजिए ठीक है तो हमको क्या करना है कि हमें कहा था कहा गया था कि कैल्शियम के 1.5 ग्राम के सैंपल में कितना कैल्शियम होगा 40 ग्राम में इतना है 40 ग्राम में इतना है तो फिर उसमें कितना होगा ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला ले सकते हैं कि जो कंपाउंड का मास है वो आप ऊपर रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको जितना भी गिवन मास है उससे ठीक है तो मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड हमको निकालना है उसके लिए हम क्या करें एलिमेंट का मास निकालना है तो मास ऑफ कंपाउंड अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास कितने में निकालना है जिसमें पूछा गया है ठीक है तो अब हमें क्या कहा गया था कि कैल्शियम का परसेंटेज था 40 ग्राम ठीक है अगर हम कैल्शियम का मास निकाल लें कि कैल्शियम का मास कितना होगा तो मास ऑफ द कंपाउंड 40 ग्राम 40 परसेंट था परसेंटेज या जो मास है ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन ग्राम तो तो ये तो होगा कैल्शियम के लिए अब हमको अगर कार्बन के लिए पूछा जाए कार्बन 12% परसेंट था तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्योंकि सैंपल था 1.5 ग्राम का जिसमें हमको निकालना था इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का निकालेंगे तो परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन 48 दिया गया था क्वेश्चन में अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास वन पॉइंट फाइव ग्राम तो इस तरीके से हम कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का जितना कंपाउंड में जितने भी कंपाउंड का मास दिया गया है उसमें इन तीनों का मास निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके इस ये जो आ जाता है वो 0.6 ग्राम के लगभग आ रहा है और कार्बन का जो आ रहा है वो 0.8 ग्राम 18 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो आपका आ जाता हाँ फर्स्ट का सिक्स ग्राम आएगा फर्स्ट का सिक्स ग्राम आएगा नहीं सिक्स ग्राम कैसे आएगा इसको पॉइंट हटाओगे जीरो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल फिफ्टीन फोर जान हंड्रेड तो बेटा तो सिक्सटी अपन हंड्रेड आएगा ना ये तो पॉइंट तो सिक्स ही होगा सॉल्व करके देखो फिफ्टीन फोर 60 अपॉन हंड्रेड आ जाएगा और सिक्सटी अपॉन हंड्रेड होता है पॉइंट सिक्स ये वन पॉइंट फाइव है फिफ्टीन नहीं है ना तो एक बार okay. इसको हाँ तो इस